मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब ये भी मोटिवेशन की थ्योरी है। मैकग्रेगर एक और रिसर्चर थे जिन्होंने कहा कि देर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल और उन कैटेगरीज की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और बाय अंडरस्टैंडिंग दोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट देम अकॉर्डिंगली। जब जो मैकग्रेगर हैं, इन्होंने कहा कि दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्स टाइप के होते हैं, एक वाई टाइप के होते हैं, और उसी के बेस पे इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई उनको लेबल दिया। इन्होंने कहा कि थ्योरी एक्स जो है, इट अज्यूम्स दैट वर्कर्स हैव लिटिल एम्बिशन, डिसलाइक वर्क, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर क्लोज सुपरविजन। थ्योरी एक्स में अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर वो लोग आते हैं जो कि एम्बिशियस नहीं होते हैं, जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका किसी ये कोई काम करना ही नहीं चाहते, कोई भी काम नहीं करना चाहते। ये लेजी टाइप के होते हैं और इनसे जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। ऐसे इंडिविजुअल्स को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है कि क्योंकि ये लेजी होते हैं, तो ये भी बहाने बना सकते हैं कि हमें किसी ने गाइड नहीं किया, हमें किसी ने सुपरवाइज नहीं किया, हमें किसी ने बताया नहीं कि काम किस तरह से करना है। बता दिया है तो आप कोई पूछने वाला नहीं है कि काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो लॉट्स ऑफ आप कह सकते हैं लेम एक्सक्यूजेज इनके पास होते हैं जस्ट टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे इंडिविजुअल से काम लेना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो उसके लिए बेटर वे क्या है कि मैनेजर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे और फिर उनको क्लोजली सुपरवाइज करे, उनकी परफॉर्मेंस को स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे मॉनिटर करे, बार बार पूछे कि ये काम आपको हैंडओवर किया था, आपने किया नहीं किया। अब इन लोगों के लिए जो मोटिवेशन के तौर पे आप कह सकते हैं टूल्स यूज किए जाते हैं, वो रिवार्ड और पनिशमेंट होती है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी पे डिडक्ट की जाएगी, अगर आप ऐसे ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे, आपको हम फायर कर देंगे। इसी तरह से अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, उनके परफॉर्मेंस के साथ रिवार्ड को अटैच कर दें कि अगर आप लोगों ने ये टीम का ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो फिर एक ट्रिप आप लोगों के लिए रखा जाएगा जो कि फ्री होगा, सारी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी बियर करेगी। तो इस टाइप की मोटिवेशनल फैक्टर्स अटैच किए जाते हैं उनके साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इंडिविजुअल से काम ले। फिर मैकग्रेगर ने कहा कि एक और तरह का ग्रुप होता है लोगों का जो कि वाई टाइप का होता है, और वाई टाइप के लोग जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे लाइक वर्किंग, काम करना उनको पसंद होता है, वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो अपने काम को ओन करते हैं और उनको पता होता है कि जैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी वो हमारा इमेज बता रही होगी। तो वी डोंट वांट टू स्पॉइल अवर इमेज, उसके लिए दे विल गिव देयर मैक्सिमम आउटपुट। और ये सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ये काम करना चाहते होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्री नहीं बैठ सकते, ऑल द टाइम दे वांट टू वर्क, दे वांट टू डू समथिंग। तो ये वाई कैटेगरी के लोग होते हैं जिनका हम कह सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा होते हैं और जिनको वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना पसंद करते हैं। दे वांट कि ये वो काम करें और अपने लिए ये खुद टारगेट सेट करते हैं, अपने लिए ये खुद चैलेंजेस जो हैं वो सेट करते हैं और फिर अपनी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी वैल्यू बढ़े, ये चाहते हैं कि कुछ नया सीखें, तो ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय जो काम करना पसंद करते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि अपने तरीके से काम करें, दे डोंट नीड
एनी काइंड ऑफ क्लोज सुपरविजन, उनको बार 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 जाके बताने की जरूरत नहीं है कि ये काम है, कैसे करना है, कितना हुआ कितना नहीं हुआ. वंस यू हैव हैंडेड ओवर द टास्क टू पीपल जो कि थेरी वाई में लाए करते हैं, उसके बाद वो आपको परफॉर्म करके दे देंगे. आप उनको फिर ऑटोनोमी भी देते हैं, उनको एक जो फ्रीडम है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस आप वो भी देते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. और जो सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल होता है वो अपने लिए खुद डायरेक्शन सेट कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये गोल अचीव करना है, कैसे करना है. ही विल फाइंड अ वे आउट, वो प्रॉपर प्लान करके चलेगा. तो ऐसे इंडिविजुअल्स अपने काम में माहिर होते हैं, माहिर ना भी हों तो उनको सिचुएशन को हैंडल करना आता है, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना लेते हैं. तो ऐसे लोगों को क्लोजली सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, आप उनको फ्री हैंड दे सकते हैं. हाँ, अगर यहाँ पे आप अज्यूम करें कि वो इंडिविजुअल जो कि अपने काम में एक्सपर्ट है, जिसको काम करना पसंद है, प्रीवियस रिकॉर्ड भी उसका एक एफिशिएंट और एक्सीलेंट वर्कर के तौर पे है, उसको अगर जा जाके आप बार बार क्लोजली सुपरवाइज करेंगे, उसके टास्क को मॉनिटर कर रहे होंगे, उस पे अपनी मर्जी थोप रहे होंगे, दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग हिम फ्रीडम टू इंजॉय हिज टास्क, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट नहीं होगा, उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी. इसी तरह से जो दूसरे लोग हैं एक्स कैटेगरी वाले, उनको अगर आपने फ्री हैंड दे दिया तो उनको होगा हमें तो कोई पूछने वाला है ही नहीं, ऑलरेडी दे डोंट लाइक टू वर्क, तो वो फिर क्या परफॉर्म करेंगे. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से लोग वाई कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, कौन से एक्स कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, और उनके हिसाब से उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को तो परफॉर्मेंस चाहिए. Then there is a third theory in early theories of motivation, that is Herzberg motivation hygiene theory. अब Herzberg ने दो factors पे काम किया. इसने कहा कि if you want to motivate your employees, तो दो तरह के factors के ऊपर काम करना पड़ेगा. इसने कहा कि job से कोई भी individual अगर आप चाहते हैं कि satisfied हो, तो ज़रूरी है कि उसके अंदर दो तरह के फैक्टर्स के ऊपर काम किया जाए, दो तरह के फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए. उनमें एक हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेटर्स हैं. हाइजीन फैक्टर्स जो हैं वो एक्सट्रिंसिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं. सेटिस्फेक्शन कहते हैं सपोज योर एक्सपेक्टेशन विद योर जॉब जब वो मीट हो रही होंगी, कि एक्चुअली आपकी जॉब कैसे है. अगर वो बिल्कुल वैसे होगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं तो यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर जॉब, लेकिन एक्चुअली जॉब वैसी नहीं है जैसी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो फिर आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे. तो हाइजीन फैक्टर जो हैं अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग इनका नाम था, इन्होंने कहा कि अगर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि जॉब से हट के बाकी सराउंडिंग, बॉस हो गया, कोलीग्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, वर्किंग कंडीशंस हो गई, अब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ये जॉब डिससेटिस्फेक्शन को या जॉब सेटिस्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं. अगर ये सपोर्टिव नहीं होंगे तो एम्प्लॉय विल फील डीमोटिवेटेड और अपनी जॉब से वो डिससेटिस्फाई होगा, लेकिन अगर वो सपोर्टिव होंगे ऐसे फैक्टर्स तो employee will be satisfied and more motivated to perform well. इसी तरह से motivators हैं जो कि intrinsic और psychological factors हैं that create job satisfaction. अब ये ज़रूरी हैं कि आपकी क्या उम्मीदें हैं, आप अपनी job के अंदर specifically क्या चीज़ चाह रहे हैं. अगर job आपको कुछ provide कर रही है then you will be highly satisfied with your job, otherwise आप नहीं होंगे. वन बाय वन हम देखते हैं कि ये जो हाइजीन और मोटिवेटर हैं ये कौन से फैक्टर्स हैं. मोटिवेटर्स में अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवांसमेंट है और ग्रोथ है. अब ये फैक्टर्स अगर एक जॉब के अंदर होंगे, सपोज जॉब चैलेंजिंग नेचर की है, जिसको परफॉर्म करके इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो, उसको ये लगे कि यस आई डिड समथिंग चैलेंजिंग जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो मोटिवेटेड होगा, उसको अच्छा फील होगा, मोटिवेटेड होगा.
इसी तरह से रिकॉग्निशन है कि वट एवर द पर्सन इज डूइंग, अगर उसकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट ना किया जाए तो वो डिमोटिवेट होगा कि मैंने इतना बड़ा टास्क किया, या मैं एक इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, या एक चैलेंजिंग टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, या वट एवर इज असाइंड टू मी, मैं वो तो काम कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि मुझे अप्रिशिएट करे, रिकॉग्नाइज करे मेरे काम को। तो अगर तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसके एफर्ट्स को, तो ही विल बी मोटिवेटेड, एक सेंस ऑफ प्राइड उसके अंदर आ रही होगी। देन वर्क इटसेल्फ, अब काम जो है वो क्या है, उसके अंदर कौन सी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंडिविजुअल ने परफॉर्म करनी है, अगर तो वो वैसी होंगी जैसा इंडिविजुअल चाहता है, स्पेशली वो लोग जो कि लर्न करना चाह रहे होते हैं, जो अपनी स्किल डेवलप करना चाह रहे होते हैं, वो टाइम के साथ साथ वो चाहते हैं कि वो न्यू एबिलिटीज और जो स्किल्स हैं उनको लर्न करें, लेकिन जॉब उनकी रूटीन में वो एक ही तरह से काम किए जा रहे हैं, सिर्फ एक ही तरह से काम किए जा रहे हैं, तो दे आर लर्निंग नथिंग न्यू, तो वो अपनी जॉब से डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर जॉब ऐसी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हों कि वो हर दफ़ा नए तरह से वो लर्न करा, या कुछ भी नया अपने काम के अंदर डेली या वीकली बेसिस पे अगर एक इंडिविजुअल सीख रहा है, दैट मीन्स कि अब उसका स्किल पोर्टफोलियो या जो वैरायटी ऑफ स्किल्स है वो ज़्यादा होती जा रही है, अब उसकी वर्थ बढ़ती जा रही है, या उसका जो टास्क है वो कोई ऑर्डिनरी टास्क नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टास्क है, उसके काम के बिना तो ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकती है। जितनी ज़्यादा ये सेंस होगी एक इंडिविजुअल को अपने टास्क के हवाले से, उतना ज़्यादा ही विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि वो खुद को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझ रहा होगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक इंडिविजुअल के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, तो फिर उसको होगा कि मैंने जो भी परफॉर्मेंस देनी है वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी, तो दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मस्ट फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गुड मैनर्स, और उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल के अंदर आएगी, उतना ज़्यादा ही विल बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल। इसी तरह से एडवांसमेंट है, जैसे मैंने पहले बात की है वर्क के हवाले से, कि अगर टास्क की नेचर ऐसी हो कि उसमें वैरायटी ऑफ स्किल्स यूज हो रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्प्लॉय को कुछ नया सीखने को मिलता जा रहा है, कुछ नया सीखने को अगर मिलता जा रहा है, तो वो आएगा ग्रोथ में, एडवांसमेंट में, उसके करियर डेवलपमेंट आ रही है, कि एक लेवल पे उसने ड्यूटीज परफॉर्म की हैं एक जॉब टाइटल के अंडर, फिर वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किए जा रहा है, तो देर इज अनदर हायर लेवल पोजीशन वेटिंग फॉर द सेम पर्सन, उसको ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर देगी, तो वो क्या है, अपने करियर ग्रोथ में चलता जा रहा है, करियर में वो एडवांस लेवल पे चलता जा रहा है, तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो 17 ग्रेड पे हायर हुआ है, 17 पे ही रिटायर हो गया, तो फिर उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आएगी, क्योंकि कुछ वो आगे जा ही नहीं रहा अपने करियर में। ग्रोथ में क्या आएगा कि उसकी जो वैरायटी ऑफ स्किल्स है वो बढ़ रही है, वो न्यू स्किल्स को लर्न किए जा रहा है, तो जॉब की नेचर अगर ऐसी होगी तो ऑब्वियसली ही विल बी मोटिवेटेड इन परफॉर्मिंग दैट जॉब। इसी तरह से हर्ज़बर्ग ने कहा हाइजीन फैक्टर्स हैं जिसमें सुपरविजन आ जाती है, कंपनी पॉलिसीज आ जाती हैं, अगर कोई सुपरवाइजर सपोर्टिव नहीं है या अच्छे तरीके से सुपरवाइज नहीं कर रहा, डायरेक्शंस प्रोवाइड नहीं कर रहा कि टास्क किस तरीके से परफॉर्म करना है, प्रॉपर वे में फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा। लेकिन अगर अच्छी सुपरविजन होगी तो वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और सुपरवाइजर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से कंपनी की पॉलिसी अगर फेयर है, रिवार्ड बेनिफिट्स या कंपनसेशन है, किसको कितना पे करना है, कौन कितना डिजर्व करता है, उसकी बेस पे अगर कंपनसेट किया जा रहा होगा, पे किया जा रहा होगा एम्प्लॉयज़ को, उनको फैसिलिटीज उस तरीके से प्रोवाइड की जा रही होंगी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो एम्प्लॉय ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। लेकिन हाँ, अगर अनफेयर कंपनी पॉलिसीज होंगी कि कोई काम नहीं भी करता है, जो लोग डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं नेपोटिज्म की वजह से, या उनके चाचू मामू जो हैं वो एग्जीक्यूटिव्स में बैठे हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर अवेलिंग
मैक्सिमम बेनिफिट्स, तो उसको पता होगा कि काम करने का फायदा नहीं है, तो व्हाई शुड आई पुट माय एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इन दिस कंपनी, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा, उसको नजर आएगा कि उसकी सारी एफर्ट्स यूजलेस हैं, फिर वो भी एक एवरेज लेवल की परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा और डीमोटिवेट हो जाएगा। इसी तरह से रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, अगर तो आपके सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, टास्क अचीवमेंट के लिए जितनी रिसोर्सेज आपको चाहिए उतना रिसोर्सेज वो आपको एलोकेट कर रहा है, जिस तरह की सुपरविजन जब जब आपको चाहिए, जब जब उसका फीडबैक चाहिए मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर सुपरवाइजर एंड यू विल फील मोटिवेटेड कि यस मेरे सुपरवाइजर मुझे, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आई जस्ट गो टू माई सुपरवाइजर और वो मुझे प्रॉपर वे में गाइड करता है। लेकिन अगर सुपरवाइजर क्रूस नेचर का हो, वो कुछ भी नहीं बताता और वो बताता भी कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर वे में गाइड भी नहीं करता और आपको जो है वो अंडर रेट भी करता है, तो आपका रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर अच्छा नहीं होगा, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट होते हैं। और काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो अपने सुपरवाइजर, अपने बॉस की वजह से अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। इसी तरह से वर्किंग कंडीशंस हैं, जिन हालात में आप काम कर रहे हैं अगर वही सेफ एंड साउंड नहीं है, अगर वो इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है कि आए दिन वहाँ पे पॉलिटिकली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, आपके साथ गेम प्ले की जा रही होती है, आपको जो है वो आपकी लेग पुलिंग किए जा रही हो रही होती है वर्क प्लेस पे, या आपकी एफर्ट्स हैं आप वो करते हैं, आपको अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं किया जा रहा, फैसिलिटीज नहीं दी जा रही आपको, तो वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन जाएगा, वहाँ पे आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे, तो स्ट्रेस्ड आउट होने से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, जो आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और वर्किंग कंडीशंस अगर आपकी, इसके अलावा नॉइसी प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, कंजस्टेड प्लेस है आपकी, जो लोग माइंस में काम करते हैं, कितनी दफ़ा हमने न्यूज़ में सुना कि वहाँ पे कोई भी ब्लास्ट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो इतने वर्कर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई या वो डिसेबल हो गए। जॉब अगर इस टाइप की हो कि जिसमें उसकी कोई है ही नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय को एक फियर रहेगा कि मेरे साथ कभी भी किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं डिसेबल हो सकता हूँ। तो वर्किंग कंडीशंस आर नॉट सेफ, अगर सेफ वर्किंग कंडीशंस नहीं होंगी तो एम्प्लॉय विल बी डीमोटिवेटेड और कोशिश करेगा कि जल्द अज जल्द किसी और कंपनी में स्विच कर जाए जहाँ पे उसकी जॉब की जो वर्किंग कंडीशंस हैं एटलीस्ट वो सेफ, फिर चाहे कम भी क्यों ना पे किया जा रहा हो, ये विल बी मोटिवेटेड इन डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब। इसी तरह से सैलरी है, ये डायरेक्टली जॉब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जॉब के लिए सपोर्टिव फैक्टर है कि वट एवर द लेवल ऑफ एफर्ट्स एंड एम्प्लॉयज पुटिंग इन जॉब परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से अगर उसको एक कंपेटिबल सैलरी पैकेज मिल रहा है तो मोटिवेटेड होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो कि सैलरी की वजह से अपनी जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी खज्जल खुआरी के बाद वी आर नॉट रिसीविंग अ लमसम अमाउंट जिससे हमारी इवन बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी हों, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर रिलेशनशिप विद पीयर्स, आपके कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, अगर तो कोलीग्स अच्छे हैं, सपोज लंच है सारे मिलके कर रहे हैं, टी ब्रेक है सारे मिलके पी रहे हैं, आप उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो आपको सैलरी अगर कम भी मिल रही होगी, इवन देन यू विल बी प्रेफरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपके वहाँ पे कोलीग्स अच्छे हैं, बड़े सपोर्टिव हैं, वेन एवर यू फेस अ प्रॉब्लम, वेन एवर यू आर इन अ ट्रबल, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं, ये एटलीस्ट आपके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पीयर्स, आपके कोलीग्स ऐसे हों कि आप एंटर हों और वो आप पे हंसना शुरू हो जाएं, आपके साथ जो है वो आपका मजाक उड़ाना शुरू हो जाएं, आपको जो वो है टीज करना शुरू हो जाए, या आपके लिए कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, या आपको आइसोलेटेड फील कराएं कि सारे इकट्ठे चाय पी रहे हैं आपको पूछते तक नहीं है, या आप उनसे पूछते हैं तो इवन दे डोंट, मतलब एक वो जेस्चर देते हैं कि दे आर नॉट लाइकिंग यू, तो ऐसे माहौल में आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर पर्सनल लाइफ, कि क्या आपका काम ऐसा है कि आपकी पर्सनल लाइफ और काम जो है वो आपका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर है, इफ यस यू विल बी मोटिवेटेड,
लेकिन अगर काम का प्रेशर इतना है कि आपको फैमिली मैटर्स में भी या फैमिली इवेंट्स के अंदर भी काम का ही स्ट्रेस लेना पड़ता है, या हर वक्त आपको क्लाइंट डीलिंग करना पड़ती है स्कूल ऑल द टाइम एनी टाइम, तो आपकी पर्सनल लाइफ, जो पर्सनल स्पेस है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, वो अफेक्ट होगी। तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ऐसी जॉब से, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। देन रिलेशनशिप विथ सबऑर्डिनेट्स, जैसे एक एम्प्लॉय का अपने सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना जरूरी है, ऐसे ही एक मैनेजर का या एक सुपरवाइजर का सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो उसको अच्छा समझते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से समझ आ जाती है, क्या वो उसको सीरियसली लेते भी हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को या कि नहीं, वो उसको एक काबिल सुपरवाइजर समझते हैं या कि नहीं। अगर समझते हैं दैट मींस अच्छा रिलेशनशिप है सबऑर्डिनेट्स के साथ एक सुपरवाइजर का, और वो भी मोटिवेट होगा। सुपरवाइजर भी क्योंकि एक एम्प्लॉय ही है, वो भी एक सेट ऑफ ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो फिर वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने के चक्करों में होगा, वो डीमोटिवेट होगा। इसी तरह से स्टेटस और सिक्योरिटी, आपकी जॉब का स्टेटस क्या है, प्लस आपकी जॉब सिक्योर कितनी है। अगर तो स्टेबल जॉब है, परमानेंट है, तो नो टेंशन। अगर परमानेंट नहीं है, तो टेंशन ही टेंशन, आप डीमोटिवेट होंगे। यहाँ पे आपको नीचे की येलो कलर का बार नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखें कि मोटिवेटर्स फैक्टर्स जो है ये प्योरली जॉब रिलेटेड हैं। इनमें पर्सन विल बी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, क्योंकि जिस तरह की जॉब उसको चाहिए वो वैसी जॉब परफॉर्म कर रहा है, एक इम्पोर्टेंट जॉब जिसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और यहाँ पे दरमियान में न्यूट्रल है, और ये जो थर्ड है लेवल हाइजीन फैक्टर्स के नीचे, आपको एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड नजर आ रहा है। या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन के तीन लेवल्स हैं, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल और एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड। तो जो ये दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, मोटिवेटर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स, ये एक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन की रीजन बन सकते हैं। अगर एम्प्लॉय डीमोटिवेटेड होंगे तो डिससेटिस्फाइड होंगे, अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो वो सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन देर आर सम इंडिविजुअल्स जो कि ना तो सेटिस्फाइड होते हैं ना डिससेटिस्फाइड होते हैं, वो बीच में होते हैं, वो थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड भी होते हैं कई बातों पे, कई बातों पे वो सेटिस्फाइड भी होते हैं विद दी ऑर्गेनाइजेशन।